और अभी ना मैं अपना YouTube चैनल चेक कर रहा था, इस पे 1.98K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं भाई। दिला दे रहा हूं मैं एक बाइक, दिला दो 10-15 लाख की। गाइस सबको मैं इधर से हैप्पी दिवाली। एक तो दिवाली है भाई, जब अपने राम जी घर आए थे तो उस दिन भी अगर आप सेलिब्रेट नहीं करोगे तो बेकार है। फिर यहाँ पे हम अपने लिए मन्नत मांगेंगे, अपने लिए क्या सबके लिए मांगेंगे, टिहरी और देहरादून दो डिस्ट्रिक्ट ऐसा जो मुझे सपोर्ट कर सकते फिलहाल के लिए। सो हे गाइस, कैसे आप लोग, होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा रहना, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा घर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और जो भाई दिवाली आप बोलना चाहोगे लोगों को कुछ? हैप्पी दिवाली एवरीवन, और पटाखे फोड़ो जलाओ ज़्यादा फोड़ो, कम मत फोड़ना जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि पटाखे नहीं फोड़ते। और भाई जब न्यू ईयर वगैरह होते तब तो आप बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ते हो, और जैसे दिवाली आया ना तो लोग बोलते हैं पटाखे नहीं फोड़ने, ये नहीं करना, पॉल्यूशन होता है, तो इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। एक तो दिवाली है भाई, जब अपने राम जी घर आए थे तो उस दिन भी अगर आप सेलिब्रेट नहीं करोगे तो बेकार है फिर। और मम्मी जा रही है भाई दुकान, ठीक है मम्मी दुकान संभालो, आप पैसे कमाओ हमारे लिए नॉट पानी से। और देखो मम्मी के बटुए पर देखो बैंगरी, पैसा ही पैसा है, पैसे वाले हो गए। मम्मी बैंगरी हमें देती है नहीं मम्मी। सही बात है कि गलत बात है, आप बताओ, देना चाहिए ना। अगले महीने डिमांड कर रखी है कि दिला दे रहा हूँ मम्मी एक बाइक, दिला दो 10-15 लाख की। नो रिएक्शन। तो गाइस मैंने आपको ये नहीं बताया, अभी जा रहे हम राक्ष के मंदिर में, यानी मेरी नानी का क्या बोलते इष्ट देवता है ना, हाँ, तो इस देवता के मंदिर में जा रहे हैं। और ना अम्मू दीदी आ रही, सबसे बड़ी बात तो अम्मू दीदी के बच्चे और अम्मू दीदी आज आपको व्लॉग में देखने को मिलेगी। स्कूटी में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, स्कूटी ना ये न्यूट्रल नहीं चल पा रही, साइज के ब्रेक कस रखे भैया ने, इस चक्कर से फिर अच्छे से नहीं चल पा रही है। फिलहाल आप ये वाला फ्रेम चेक करो, इस फ्रेम के लिए ना काफ़ी लोग मर रहे थे, तो सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा बहुत, जितने भी लोग हैं ना। बीच में मैंने ब्लॉगिंग छोड़ रखी थी इलेक्शन के चक्कर में, बट इलेक्शन भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ भाई जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जितने भी लोग भाई चाहते हैं मैं यूट्यूब पे ग्रो करूँ, जाके भाई धड़ाधड़ कर दो भाई, शेयर कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो भाई, अपने दोस्तों को दिखाओ, फैमिली को दिखाओ। और जहाँ तक मुझे पता है मैं फैमिली पर्पज़ से ब्लॉग ही बनाता हूँ, तो आप अपनी फैमिली को दिखा सकते हो मेरे ब्लॉग में, ना गाली रहती है ना कुछ रहती है, ना गाली रहती है ना कुछ रहती है, कहती रहती है। गाड़ी आ रही है भाई, तीव्र मोड़, मोड़ों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए पहाड़ों में, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं राक्ष देवता के टेंपल में, और टेंपल में पहुंचते सबसे पहले निकालने में जूते, क्योंकि भाई हमारी आस्थाएं जुड़ी रहती है ना यहाँ से, सबसे जरूरी होता है आप जूते निकाल के ही अंदर जाएं। बहुत सारे टेंपल्स भी हैं बाहर आउट ऑफ कंट्री में जहाँ भाई जूते लेके जाते हैं, बट भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आपको शूज उतार के जाना पड़ता है। और हम दोनों भाई चले, यहाँ पे हम अपने लिए मन्नत मांगेंगे, अपने लिए क्या सबके लिए मांगेंगे, हम स्वार्थी नहीं, हम अपने लिए नहीं मांगेंगे, सबके लिए मांगेंगे। तो चलते भाई पूजा करते हैं भगवान जी की। वाला देवता की पूजा हमने कर ली है, अभी यहाँ एक दूसरा मंदिर है राजराजेश्वरी का मंदिर, तो यहाँ पे भी जाएंगे हम, यहाँ पे भी पूजा करेंगे। फिलहाल यहाँ से जूते उठाते हैं, बार बार कौन पहनेगा इनको। ओके भाई, यहाँ से भी हमने पूजा निपटा दी है, और इसको भी यहाँ पे विजिट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, पिपरलाली पुल है, पिपरलाली पुल आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पूछना पड़ेगा राजराजेश्वरी का मंदिर कहाँ पे, ज़्यादा नहीं है 2-3 किलोमीटर होगा वहाँ से। तो भाई यहाँ से चुका हूँ मैं लेट, और अम्मू जी का फ़ोन आ रहा है कि फटाफट आ जाओ, क्योंकि भाई सामान भी निकालना है, तो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, ब्लॉगिंग कम करते हैं और सीधा चलते हैं दीदी के पास, ठीक है। ओके भाई, तो मैं मिल चुका है, आ रहा, कैसे आ रहा हो आप? यार ये कुछ बोल नहीं रहा, ये पहचानता भी नहीं अपने मामा को। तो ये अपना भांजा है, उसका नाम है आरव, जो कि बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। अरे मेरी वीडियो देखते हो आप? मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, जो देखते हो आप? नहीं देखते हो? हैं क्या देखते हैं, जोर से आवाज़ नहीं आ रही। जब मम्मी देखती तब देखते हो? अच्छा, अभी दीदी लोग ना वहाँ पे सामान ले रहे हैं दुकान पे, सब्जी सब्जी, तो जैसे वो सामान ले लेंगे फिर निकलते हैं सीधा रजा देखता हूँ।
कैसा लगा गाड़ी में, मजा आया? अरे बताओ तो सही यार, अरे कुछ तो बोलो यार, शर्मा रहे हो यार आप भी, कुछ तो बोलो यार, नहीं बोल रहे, कैसा लगा ये तो बताओ। चलो मस्त, मजा आया। तो यार हम निकल रहे हैं, हम मेघा दी को मिलने हैं कफलोक, और वहाँ सासू जी भी होगी तो भाई सब फ्रेम में आएंगे। ब्लॉगर साहब ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे। फाइनली भाई हम पहुँच चुके हैं मेघा दी के ससुराल में। क्या करे, नमस्ते। और बताइए तो भाई, दीदी आज हमारा व्लॉग बना रही थी, दो दो व्लॉगर हैं घर में तो इसलिए व्लॉग बनाने पड़ते हैं। तो जी हैप्पी दिवाली सासू जी। ओ भाई क्या बात है, जब ससुराल में आते ना तो ऐसे मेहमानदारी होती है। नहीं तो पानी बोतल पकड़ा देते हैं भाई। भाई दर्द होने तो पूछती भी नहीं, पानी की गिलास तक पूछा नहीं उसने। यहाँ मिल रहे हैं घर पे, कमजोर हो गया यार तू, ज्यादा काम करवा रहे, कमजोर हो गई। अरे ऐसे लगे मैं सुबह से मुंह अपने धुला गई। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, सेम टू यू, और हमारे उनको भी बोल दो फैमिली को, मेरी तरफ से YouTube फैमिली को हैप्पी 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 वाली दिवाली। ये देखो मैं गदी के हीरो, ओ बैंग पोज देखो जी आजी के भाई, बट काफी अच्छा लग रहा है यार। तो भाई आज कुछ ज्यादा ही मेहमानदारी हो रही है मैं गदी, वही तो ज्यादा हो रही ना। तो भाई हमारा आ चुका, ये क्या है मटन बना रहा का। और अभी ना मैं अपना YouTube चैनल चेक कर रहा था, इस पर 1.98K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। भाई जो बंदा कभी 1000 का नहीं सोच सकता था, आज की डेट में उसके 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। जब भी भाई आपके चैनल पे व्यूज़ अच्छे आते हैं तो आपको एक बढ़ावा मिलता है, आप सोचते हो कि और वीडियो बनाओ डालता जाऊँ। और मेरा सीन भी यही है, जब मेरे व्यूज़ अच्छे आते ना मेरा मन करता है कि मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊँ और अच्छा लाऊँ उनके लिए कंटेंट, बट अगर डाउनफॉल आ गया ना तो भाई मन नहीं करता। तो प्लीज़ जितने लोग मुझे देख रहे हैं भाई सपोर्ट करो प्लीज़, टीरी और दारा दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो जल्दी जाओ शेयर करो वीडियोस, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, फैमिली तक पहुंचाओ, सब भाई जहां पहुंचा सकते हो वहां पहुंचा दो। वैसे हमारा प्लान था कि जुबह में मेघा दी से मिलके चले जाएंगे रजा के, बट अब हमारे प्लान में थोड़ा चेंजेस हैं, मेघा दी भी जा रही है हमारे साथ रजा के, क्योंकि अब मुदी भी आ रखी है ना, तो सब आपस में मिल लेंगे। बट एक चीज़ का बुरा लग रहा है कि सास ससुर जी यहाँ पर अब अकेले रहेंगे, तो अब क्या बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, बाय बाय। तो भाई हम यहाँ से निकल चुके हैं और थोड़ा सा ख़राब रोड है इधर, बट कोई बात नहीं, हमारे हैवी ड्राइवर संभाल लेंगे सारी चीज़ें। हाँ भाई बड़ी बड़ी सारा संभाल लो, वही ना, तुम उधर जाना बस, ठीक है। पैरासूट मोड पे सीधा पीछे से मेगा दिया में कूद जाएंगे। दीदी तू तो बोल रही थी मैं यही रहूँगी, फिर क्यों आई थी वो नीचे? मैं नहीं जा रही थी यार, मम्मी बोला कि दिन खराब, जाना चाहिए। क्या बोल रही तू, त्योहार के दिन खराब लगता है जाना चाहिए? हाँ मायके भी जाना चाहिए, त्योहार के दिन खराब लगता है। अच्छा ये बात है, और मायके में से कोई पूछ भी नहीं रहा था भाई कि आ। तो गाइस अभी रुके हम एक लोकेशन पर, यहाँ से भाई इतना प्यारा व्यू आ रहा ना सामने का, भाई एक तरफा व्यू है, मतलब हमारे टीरी में कहीं भी चले जाओ व्यू की कोई कमी नहीं है। तो पक्का एक बारी जो बाहर से वीडियोस देख रहे हैं अपने टीरी में विजिट करो, अच्छी अच्छी लोकेशन देखो, और भाई टीरी में कुछ भी दिक्कत आए कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा rohitawar.tan से, आपको कुछ भी टीरी में दिक्कत आती कुछ पूछना आपको टीरी से रिलेटेड सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। और आपको मैं फिलहाल एक और चीज़ बता देता हूँ, सामने आपको दिख रहा होगा ये वाला पर्वत, वो है खैड़ पर्वत। इस पर्वत को बोलते हैं परियों का देश, और परियों के देश की कहानी बहुत तगड़ी है, तो आप खैड़ पर्वत सर्च मार सकते हो यूट्यूब पर। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, यहाँ पर भाई परियाँ रहती है, एक बार न्यूज़ चैनल वाले भी गए थे ना तो उनको भी लगा था कि भाई नेगेटिव पावर से पर्वत में रहती है, वो आप जाके यूट्यूब पे देख लेना। फिलहाल अभी लेट भी हो रहा है, अंधेरा भी हो चुका है, और मेघा दी सबसे बड़ी बात सासू जी ने क्या बोला था, यहाँ बाघ घूमते हैं। हाँ बोला था, तो वो चलो भाई जल्दी क्या चाहते हो, बाघ का निवाला बने हम, तो वो कहना मान रहा था तो मान ही नहीं रहे। चलो मेघा दी फटाफट फटाफट, तो भाई हम नहीं जाते, हम तो भाई हम नहीं जाते कि हम बाघ का निवाला बने। वाह चलो भाई इनकी रील भी बना देते हैं एक। तो फाइनली भाई हम आ चुके हैं घर पे, और हमने ना घर पे नहीं बता रखा कि मेघा दी आने वाली है, तो वही हम उनका रिएक्शन चेक करने वाले हैं, जैसे उनको पता चलेगा मुझे पता बहुत खुश होने वाले हैं। और अभी आराम से बोलना पड़ रहा है क्योंकि भाई दीदी लोग आ गए। तो भाई हम आ चुके हैं घर पे, कहाँ हो आप लोग? अम्मूदी आ जाओ, अम्मूदी आ जाओ बाहर आओ, हम आ चुके हैं ब्लॉग बनाओ यार हमारे साथ थोड़ा।
नहीं तो वहाँ बैठ नहीं रहता था। और कैसे आप बताओ और क्या क्या कर रहे हो? कुछ और गेस करो क्या हो सकता है? अभी नहीं, अभी नोटिस नहीं करी अपन। अरे नोटिस करा आप, मेघा दीदी के अलावा आप क्यों मैं नोटिस कर सकता कुछ चीज नहीं तो नोटिस करा ना। अरे आप नोटिस करा कुछ चीज करो, नोटिस करो। नोटिस क्या कुछ भी थी? अरे यार नोटिस ही नोटिस, दो दो फोन तो भाई आपने रिएक्शन चेक कर लिया, कितना खुश हो रही थी दीदी, क्या बहुत दिनों बाद मिल रहे ना दीदी लोग, और मिलना भी बहुत कम होता है, दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों ससुराल में है, मेघा दीदी तो मेरे साथ है, दीदी अब वहाँ क्या बोलते हैं बीप्रोम साइड, तो बहुत कम चांसेस होते हैं मिलने के, बट जब दोनों मिलते हैं ना भाई दोनों की बहुत अलग बॉन्डिंग है, पूरे फैमिली में सबको बताएगी अमोदी और मेघा दीदी की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है, अजवैर मेरी। तो भाई सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। इसकी जितनी भी चिंगारी है सारी मुंह पे आ रही है, कसम से रिस्क है भाई इस घर में, फिर भी